हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी टीवी के सीरियल रब से दुआ के बारे में। सीरियल की टीआरपी डाउन जाने लग गई थी पिछले काफ़ी टाइम से, यानी कि बेसिकली पिछले कुछ महीनों से शो की टीआरपी डाउन जाने लग गई थी और 0.3 तक भी आ गई थी। लेकिन फिर हमें उसके बाद वाले हफ्तों में काफ़ी बढ़िया इंक्रीजेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं सीरियल की टीआरपी में। जैसे कि कैसे मुझे तुम मिल गया सीरियल जब नया नया आया था, तब से रब से दुआ की टीआरपी एकदम से डाउन चली गई थी एंड जी टीवी 24 में इसी लो टीआरपी के कारण ये सीरियल को ऑफर करने का भी प्लान कर रहा है। और रब से दुआ की सीरियल की जो टीआरपी आजकल बढ़ने लग गई, पिछले हफ्ते 0.6 आई है और अब 0.7 आई है। एज ऑफ नाउ सीरियल को कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी गई है, अभी के लिए यही प्लान हैं, इसको 2024 में ऑफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट लेकर आया है एकदम से 0.3 से बढ़कर 0.6 और फिर इस हफ्ते 0.7 तक, वो काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है एंड काफ़ी शॉकिंग भी है इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट जब हमें एकदम से देखने को मिलती है। और अगर इसकी टीआरपी ऐसे ही और बढ़ती रही तो डेफिनेटली जी टीवी इसको ऑफर करने का जो फैसला है उसको हटाएगा, उसको बदलेगा। बिकॉज अगर कोई सीरियल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लेट नाइट स्लॉट पर भी, तो क्यों उसको बंद करेंगे? तो आपको क्या लगता है आने वाले हफ्तों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और जो 0.7 पे पहुंच गया है उससे और ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं, और आपको इसके रिसेंट एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं? सीरियल में एक लीप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मेकर, जिससे और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सीरियल की टीआरपी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले वीक्स में भी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या होगा सीरियल के साथ आगे चलकर टीआरपी के बेसिस पे। और सारी अपकमिंग रब से दुआ एंड जी टीवी की न्यूज़ खबरें वगैरह सब पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।